हाय फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वाला वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है और ऊपर भी आप लिंक दे सकते हो, तो उसमें ये इसका वीडियो मिल जाएगा, इसका रिव्यू देख लेना आप। तो आज हमारे पास ये वाला पावर सप्लाई है जो मैंने ऑर्डर किया था। ये मैंने कंप्यूटर स्पेस वेबसाइट है computerspace.com वहाँ से ऑर्डर किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ पे जाइए, उनका नंबर है, मालिक का नंबर मैंने मेंशन किया है, तो उनको बताइए, वहां से आप ले सकते हो। काफी सस्ता पड़ेगा, मुझे कुछ 12,000 मिला था लॉकडाउन के टाइम पे, जब इसका मार्केट कुछ 14-15,000 के आसपास, बाकी सारे वेबसाइट दे रहे थे और बहुत जगह पे अवेलेबल नहीं था। S20 watts का है, RGB वाला है पावर सप्लाई, फुली मॉड्यूलर है, गोल्ड वाला, गोल्ड प्लेटेड। और इसकी और एक बात है कि इसमें फैन का भी है, एक ऑटोमेटिक फैन सिस्टम है, इस पे अगर सिस्टम पे लोड वर्क पड़ा बढ़ गया 40% के ऊपर तो ऑटोमेटिक फैन चालू हो जाता है। तो उसका भी बटन दिया, RGB का बटन दिया, तो इसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और हमारे जो नए सिस्टम है उसमें हम लगाने वाले हैं। तो हमारी फाइनल पावर सप्लाई, इसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे। S50 वॉट्स का RGB वाला एडिशन है, इसमें बहुत सारे काफी अच्छे फीचर दिए हैं कंपनी थर्मोटेक वालों ने, तो काफी अच्छी बात है। इसको पहली बार 10 साल की वारंटी पता है, 10 साल तक कुछ टेंशन नहीं है। और मेरे हिसाब से मैं तो इसको 2 या 3 साल में आगे फ्यूचर में चेंज कर ही दूंगा। 750 का मैं 1000 वॉट से 1500 वॉट जो हो सके उस टाइम पे जितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी उतना मैं ले लूंगा। 10 साल की वारंटी, पहली बार 100% जैपनीज कैपेसिटर है। अगर पावर सप्लाई मदरबोर्ड में अगर जैपनीज कैपेसिटर होंगे वो काफी अच्छी क्वालिटी रहते हैं। फुली मॉड्यूलर है, फ्लेक्सिबल, तो एक इसलिए कॉस्टली गया मुझे कि फुली मॉड्यूलर है। नॉन मॉड्यूलर भी थर्मोटेक के कुछ 4,500 या 5,500 में 2 पावर सप्लाई आते हैं RGB वाले, उसमें नॉन मॉड्यूलर रहते, वो फुली नॉन मॉड्यूलर, भाई फुली मॉड्यूलर है। तो मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर का मैं डिफरेंस आपको अगली वीडियो में अपलोड करने वाला, उसमें दिखा दूंगा कि मेरा जो पहले वाला पावर सप्लाई है वो 500 वाट का, वो नॉन मॉड्यूलर है, फुली नॉन मॉड्यूलर है और एक फुली मॉड्यूलर है। तो दोनों को साथ में रख के मैं दिखा दूंगा कि डिफरेंस क्या रहते हैं इसमें। और एक ये टेक्नोलॉजी के स्मार्ट जीरो फैन, तो अगर अपना सिस्टम लोड पे आएगा तब जाके उसका फैन ऑटोमेटिक स्पिन करना चालू करता है। तो बहुत सारी जब ये कंपनी लॉन्च किया था तो बहुत लोगों ने अमेजोन या लेने के बाद या कंपनी को कॉन्टेक्ट किया था रिटर्न करने के लिए, क्योंकि इसका फैन चल नहीं रहा, उनको लगा कि डिफेक्टिव है। तब जाके कंपनी उनको बताया, पहले बॉक्स पे तो था पर लोगों को पता नहीं था कि जीरो फैन का मतलब लोड पे होगा तो ये फैन घूमेगा, तो लोगों को लगने लगा कि फैन घूम नहीं रहा, मतलब ये फॉल्टी पीस है, और उन्होंने रिटर्न कर दिया अमेजोन पे, ऐसे अमेजोन फ्लिपकार्ट बहुत जगह पे ऐसे इशू आ गया था। तो मैंने इसका पता रिसर्च किया था, मुझे भी मैंने जिससे लिया उसने मुझे बताया था कि बहुत लोगों ने रिटर्न किया था, वो बाद में वापस भी परचेस की, वो अच्छी है। और रोड ट्रिपल नॉइस है कि ये कम से कम नॉइस क्रिएट करता है फैन, तो जिससे अपना सिस्टम काफ़ी साइलेंट होता है। मोस्टली जो जिनके फैन कंटिन्यू घूमते रहते हैं वो ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं, अभी ये जब लोड पाएगा तब घूमेगा, तो इसलिए कम से कम नॉइस क्रिएट करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसका और एक ये की फीचर्स है कि इसमें देख सकते हो कि 256 कलर्स है, RGB साइकिल मोड है, फिर सॉलिड रेड है, सॉलिड ग्रीन, सॉलिड ब्लू, सॉलिड व्हाइट और LED ऑफ, ऐसे बटन है। यहाँ पे पीछे एक बटन दिया है LED स्मार्ट LED ऑन ऑफ का, और स्मार्ट जीरो फैन का एक बटन है, तो ऑन ऑफ कर देता है वो सबसे हो जाता है। RGB LED का और एक बटन है, और दबाए तो भी मोड चेंज होते हैं। और ये हमारा कौन कौन से सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओरा सिंक RGB मिस्टिक MSI मिस्टिक लाइट GigaByte RGB फ्यूजन, इतने 1, 2, 3, 4 सॉफ्टवेयर को सपोर्ट है RGB सिंक करने के लिए। और आपका GigaByte का मदरबोर्ड होगा या MSI का मदरबोर्ड होगा या ओरा सिंक का होगा ASUS का, जो भी रहेंगे तो आपके बाकी कंपनी और इसका RGB आप सिंक कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें कौन कौन से टाइप के कनेक्टर दिए वो सब मेंशन किया है, RGB सिंक केबल एक है, फ्लॉपी अडेप्टर है, अभी फ्लॉपी तो कोई यूज़ करता है नहीं, मेरे पास 4 पिन वाले 4 कनेक्टर है, ये अपने ग्राफिक कार्ड कनेक्टर है, 60 पिन के 9 कनेक्टर दिए हुए इसके अंदर, मतलब 9 SATA के केबल्स दिए हुए हैं। अपना एक 24 का मेन पावर का केबल दिया है और एक 4x4 के एक केबल दिया है 12 वोल्ट वाला NXT वाला, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसमें। तो इसको अभी हम ओपन कर देंगे, तो चलिए ओपन करते हैं। जितने 10 साल की वारंटी है, क्या है RGB सिंक है, और 1, 2, 3, 4 ये चारों पावर सप्लाई का है इसमें सिंक करने का ऑप्शन, तो इसको भी हम अनबॉक्स कर देंगे। तो गाइस ये है हमारा, पहले तो इसमें पाउच दिया है, तो इस पाउच को हम साइड में रख देंगे। तो ये एक है, अच्छी खासी पैकिंग दी है कंपनी ने। तो ये हमारा
है तो इसको बाहर निकाल देंगे एक बार। ओह माय गॉड काफ़ी हेवी है, इसको भी डाल देंगे अंदर, इसको भी इसमें डाल देंगे, बॉक्स को साइड में रख देंगे हम। तो ये हमारा पावर सप्लाई आ गया फाइनली। तो गाइस देख सकते हो ये क्रोमेटिक का अपना है टफ ग्रैंड बस सीरीज का पावर सप्लाई 750 वाट का RGB वाला। तो आप देख सकते हो ये फुली मॉड्यूलर है, मतलब इसके जो एक सारे पीस निकल जाती है, तो कोई टेंशन नहीं है, हम जो पिन चाहिए उतनी लगा सकते हैं। तो जाके वो मेजरमेंट का इजी है, ये RGB सिंक का ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ये हेडर है RGB हेडर सिंक करने के लिए। यहाँ पे भी एक अच्छी बात है UN दिया है, तो यहाँ से भी अपना ये हो जाता है, RGB बाहर निकलती है, तो एक अच्छी बात है। तो मैंने जैसे बोला था ये स्मार्ट फैन का ऑप्शन है ऑन ऑफ का, ये अपना पावर सप्लाई ऑन ऑफ करने का ऑप्शन बटन है, और ये अपना अब देख सकते हैं आप लिखा हुआ है RGB लाइटनिंग, तो ये बटन दबा नहीं पाता, अपना RGB का इफेक्ट चेंज कर सकते हो। और ये देखिए इसको हम वापस लगा देंगे, क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी, तो ये देखना कि परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, वैसे जितना हो सके उतना दिया तो अच्छा है। देखिए ये स्टिकर है वारंटी का, ये निकाल लिए मत, निकाल दिया तो आपकी वारंटी और हो जाएगी, तो इसको हम साइड में रख देंगे अभी। हमारा एक पाउच है, पाउच ओपन करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन सी केबल कंपनी ने इंक्लूड किए हैं। तो अरे वाह इसमें बहुत सारे केबल्स हैं, जैसे मैंने बोला था, देखिए ये है अपनी मदरबोर्ड वाली केबल है मेन कनेक्टर, ये फिर साटा केबल्स है, देखिए साटा केबल्स हैं, बहुत बहुत सारी है, इतनी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ केबल लाल है, कुछ रेड है, सॉरी कुछ लाल केबल है, कुछ ब्लैक केबल है, तो अपने को पावर सप्लाई भी यहाँ पे दिया है, लाल केबल किधर लगाने ब्लैक किधर लगानी है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है उतना है, तो जो बिगनर है उनके लिए भी अच्छा है, जिनको पता है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। और ये अपना मेन पावर केबल अपना पिच वाले यहाँ पे लगाने के लिए ये वाला दिया है, इंक्लूड किया है। और ये अपना फाइनली RGB वाला सिंक करने के लिए है, तो इसको भी हम साइड में रख देंगे। तो गाइस इतना सब था, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह बेहतरीन वीडियो मैं लाते रहूँगा।